हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो क्या हाल है आप लोगों का? तो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो है फिर BGMI में डाउनलोड फेल बिकॉज वाईफाई इज डिसेबल करके जो प्रॉब्लम आती है ना, इन प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हो, वही आज की इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है। वहाँ पे जाके आपको क्या करना है कि आपको ZRCVR डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ZRCVR आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि आप सभी लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर BGMI ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं स्टोरेज एक्सेस यूसेज में जाऊँगा, और जाने के बाद ये जो BGMI मेरे पास फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको क्या करूँगा कि पूरा यहाँ पर क्लियर डाटा कर दूँगा। ठीक है, और जैसे क्लियर डाटा कर दोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपने जो यहाँ पर डाउनलोड किया रखा होगा ना, वो आपका ZRCVR उसे ओपन करना है। और जैसे ओपन करेंगे तो आपके फ़ोन में जो भी OBB है ना, किसी दूसरे फ़ोन से या पर OBB आप आपके फ़ोन में या पर इनशेयर या शेयर रिसेप कर सकते हो। ट्रांसफ़र करने के बाद आपका जो com.pubg.im का जो OBB है ना, ये सीधा आपको इसी OBB को आपको क्या करना है कि सीधा कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो जैसे कि गाइस यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास ये पर OBB है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो OBB है ना, सीधा मैं इसको कॉपी करूँगा। और कॉपी करके आपको कहाँ पे पेस्ट करना है वो आप सब लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिवाइस स्टोरेज में जाना है। और डिवाइस, जैसे डिवाइस स्टोरेज में जाओगे तो अभी आपको एंड्रॉयड में जाके OBB में जाके आपको बस इस पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर जैसे पेस्ट कर दोगे तो आपका जो OBB यहाँ पर एकदम इजीली पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो OBB पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि वो मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो हमें एप्लीकेशन जो बार बार यहाँ पर इंस्टॉल करना यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर बैक कर चला जाना है। और इसके बाद आपको हमें क्या करना है कि BGMI को होल्ड करके रखना है और इस पर ऐप इंफॉर्मेशन है ना, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा आएगा, तो अभी देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर 1GB यहाँ पर लिखा आ रहा है, हमारा डाटा यहाँ पर 1GB है इस पर। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो एकदम इजीली सॉल्व हो चुकी है। तो हम यह बस यहाँ पर BGMI ओपन करूँगा तो मेरे सामने ऐसा कुछ परमिशन मांग देगा, तो मैं परमिशन यहाँ पर अलाउ कर दूँगा। और जैसे अलाउ कर दूँगा तो आपका जो BGMI की जो प्रॉब्लम है ना, एकदम ईजिली दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से एकदम ईजिली जो है BGMI में डाउनलोड फेल बिकॉज वाईफाई डिसेबल और आपका जो प्लीज़ इनेबल स्टोरेज परमिशन जो ना, इन सारे प्रॉब्लम्स को एकदम ईजिली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो गए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।